नमस्कार, प्रोग्राम तारे आखते ने वेख रहे साढ़े सारे ही दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सो गंडमूल के बारे सारे जानना चाहते हैं, चल रहे हैं गंडमूल 4 जून के 7:22 तक चलन गए। जिड़े भी बच्चों का गंडमूल च जन्म होएगा एक बार जरूर टेवा दिखाने हर हाल के, एक बार गंडमूल का उपाय जरूर करा लन, नहीं तो बाद बहुत सारिया प्रॉब्लम्स परेशानियां जड़ियाँ वो फैमिली के आ जाएगी। प्यारे दर्शकों, वास्तु की अच्छ गल करांगे कि मकान बनाते समय आपू किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। पहला तो पुष्या नक्षत्र के ही मकान बनाना शुरू करना चाहिए तो इसे पूरा करना चाहिए। जे इदा करते हैं तो बड़ा ही शुभ होंगे। पूरा होने गरीबों के लिए लंगर जरूर लगाओ। जे जरा वर्ष फल के शनि राहू केतु के नाल हो मकान बना इंसान बर्बाद कर सकता है। मकान बनाने तो पहला जरा जमीन एक परीक्षा करो। प्लाट के अंदर तुसी जरा बर्तन के चंद्रमा दी चीज़ा रख के दबा दो तो 40 दिन तक देखो कि थोड़ा रोग मुकदमा झगड़ा या बदनामी तो नहीं मिलती। जे बर्तन जे ऐसी स्थिति थानू आती है तो बर्तन का समान कढ़ के जल प्रवाह कर दो। इहदा मतलब ये प्लाट थोड़े लिए शुभ नहीं हैगा, उत्थे मकान ना बनाओ। मकान बनाते समय यदि नीम के नाग नागिन तांबे के पैसे फिर तांबे का गंगा जल नाल भरिया हुआ लोटा श्री यंत्र यह सारा कुछ तुसी उहदे च रखो तो उत्थे दबा दो। जे मकान बनिया बनाया तो उहदे बाहर घोड़े की नाल यू आकार दे विच लगा दो ते गणपति जी की मूर्ति मंगल यंत्र ते छोटिया छोटिया घंटिया भी लगा सकते हो। जे मकान उस जगह है कि जिथे किसी समारोह तो पहला मिट्टी दे विच जमीन दे विच पट्टी लगाई गई सी ते बाद च बंद कर दित्ती तां इह वधिया नहीं हैगा, उत्थे संतान नहीं होएगी। जे संतान होएगी तो खानदान की बर्बादी हो सकती है। फिर मकान दे विच कच्चा हिस्सा जरूर रखो, इहदे नाल इस्त्रियां की सेहत ठीक रहिंदी है, धन भी वधदा है। मकान दे विच मंदर तो 1 फुट दे विच मंदिर दे विच 1 फुट तो ज़्यादा वड्डियां देव मूर्तियां स्थापित ना करो, वरना फिर संतान की प्रॉब्लम आ जाती है। मकान दे विच दक्षिण पश्चिम दे विच नेरा कमरा रखो, भारी समान ट्रंक पेटियां उत्थे रखो। जे मकान दे विच नकदी जेवर छुपाने लई कोई गड्ढे बनाए है तो वह खाली है तो उहदे विच ड्राई फ्रूट्स भर के रख दो, उहदे नाल भी तुहानू अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। सो कहण दा भाव है प्यारे दर्शको, असी लोग करोड़ों रुपया मकान बनाने ते ला दिंदे हां, लेकिन कुछ हज़ारां रुपए असी लोग वास्तु ते नहीं लाते, वास्तु के यंत्रां ते नहीं लाते। तो बाद दे विच जद मकान दे विच जाने हां फिर सानू बहुत प्रॉब्लम्स आंदियां तो लखां रुपए घाटे दे नाल असी उह मकान वेच के फिर नवी तलाश करते हैं। इस तो पहले ही जो आप वास्तु करा लीए तो की फर्क पैंदा। सो बहुत सारे दर्शक सानू वास्तु विजिट्स लिए भी पुछते हैं, नो प्रॉब्लम, असी पूरे वर्ल्ड दे विच वास्तु विजिट करते हैं। जड़ा भी जिथे भी बुलाना चाहे असी रेडी हैं, आ सकते हैं, तुसी साडे नाल फोन पर गल कर सकते हो। हुण दस दईए कि साडी जिन्नी भी जानकारी है तुसी फेसबुक ते साडे पेज एस्ट्रोलॉजर सुखमिंदर लुधियाना इंडिया नूं लाइक करके हासिल कर सकते हो। समाज सेवावां च जे तुसी साडे नाल शामिल होना चाहते हो तो एशियन क्लब इंटरनेशनल फेसबुक ते साडा ग्रुप हैगा, उन्हें ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप ते तुसी साडे नंबर 9872620533 ते अपना नाम कंट्री नेम सिटी नेम भेज के साडे नाल अटैच हो सकते हो, डायरैक्टली थोड़े नाल साडी गल होएगी ते तुसी अपॉइंटमेंट्स लैके भी आ सकते हो, अपडेट्स भी थोड़े कोल काफ़ी पहुँचते रहेंगे। हुण अज दा राशिफल, मेष राशि वाले जातक जिहड़े ने कोर्ट कचहरी के मामले च जित हो सकती है, जबकि वृष राशि वालों नूं नाम मान सन्मान मिलेगा। मिथुन राशि वाले पॉलिटिक्स तो दूर रही आओ। कर्क राशि वाले पेट की अज प्रॉब्लम आ सकती है, पेट दर्द हो सकता है। सिंह राशि वालों नूं जिहड़ा है अज कोई तंत्र का इफेक्ट थानू सता सकता है। कन्या राशि वालों की संतान अज उन्हां दा नाम उच्चा करेगी। तुला राशि वालों नूं अज जड़ा है बेकिंग कीतियां हुई वस्तुआं खाना अच्छा लगेगा। वृश्चिक राशि वाले दूर दुराडे तो कोई अच्छे मेहमान अच्छे दोस्त थोड़े घर आ सकते हैं। धनु राशि वाले वहीकल ध्यान नाल चलाइयो, सट लगन का डर हो सकता है। मकर राशि वालों के लिए अज का दिन धर्म कर्म च बीत सकता है। कुंभ राशि वाले थोड़ी कंजूसी दिखाएंगे तो मीन राशि वाले अज पैसा बहुत आएगा। बड़े दर्शक पुछते हैं सुखविंदर जी असी भी आके थानू मिलना चाहते हैं, तकदीर का हाल जानना चाहते हैं, थोड़े तो रतन रुद्राक्ष लेके पाना चाहते हैं, वास्तु का विजिट कराना चाहते हैं या नक्शा चेक कराना चाहते हैं या टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेने चाहते हैं।
ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਸੁਖਮਿੰਦਰ, 30G ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਇੰਡੀਆ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ 9417020533 'ਤੇ, ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਹੈ 9872620533। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਜਾ ਮਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਛੁੱਕੇ ਜਾਓ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਜਨਾ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲੋ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤਕਦੀਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਖਾਂ 'ਚ ਨਾ ਮਾਰੀਓ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਈਓ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੀਓ, 10 ਬੰਦ ਕੱਢ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਓ। ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਨਮਸਕਾਰ।